हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम सब कक्षा 7 का पसंद भाग 2 पार्ट 4 कठपुतली का संकेत संदर्भ प्रसंग व्याख्या को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हमारा पहला पद है, कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इसका हम लोग संकेत देखते हैं, तो कठपुतली गुस्से से डैश डैश पर छोड़ दो। संदर्भ हमारा है प्रस्तुत पद्यखंड हमारे पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 की कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। प्रसंग हमारा है यहाँ पे, इस पद में कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। और फिर व्याख्या है यहाँ पे, कवि कहते हैं कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहते हैं कि ये धागे मेरे शरीर के आगे और मेरे पीछे क्यों बंधे हैं, मुझे आजाद कर दो, मुझे मेरे पांव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। तो हमारा अगला पद है यहाँ पे, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए मुझे अपने मन के छंद हुए। तो यहाँ पे इसका संकेत है हमारा, सुनकर बोली डैश डैश मन की छंद, मन के छंद हुए। संदर्भ हमारा है सेम संदर्भ यही होगा यहाँ पे, प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 की कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि या फिर रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। और फिर प्रसंग है हमारे यहाँ पे, इस पद में कठपुतलियों की बात सुन अन्य कठपुतलियाँ के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन है यहाँ पे। और व्याख्या है, कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य कठपुतलियाँ बोली, वे कहने लगती हैं कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन से बहुत दुखी हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, मगर पहली कठपुतलियाँ सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो इसका संकेत हमारा है, मगर टैस टैस मन में जगी। संदर्भ हमारा है यहाँ पे वही सेम संदर्भ रहेगा, प्रस्तुत पद्यखंड हमारे बसंत भाग 2 की कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है और इसकी कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रसंग है यहाँ पर, इस पद में पहली कठपुतली के मन में की स्थिति का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि, व्याख्या हमारा है, कवि कहते हैं कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा सुन देख कर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की इच्छा कैसे जगी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी या उनका यह कदम ठीक हुआ। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम सब प्रश्नोत्तर को हल करेंगे।